नमस्कार, आज न्यूज वाला के ऊपर मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। पांच राज्यों के जो रिजल्ट है वो वन बाय निकलते चले जा रहे हैं और रिजल्टों को आज दिन भर आपके साथ साझा करते रहेंगे आज न्यूज वाला के ऊपर। और मणिपुर चलते हैं, मणिपुर की अगर बात करें, मणिपुर के अंदर काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा था और कड़े मुकाबले को जीते हुए आगे निकल चुके हैं जो वहां के मुख्यमंत्री है। पहले से मुख्यमंत्री कुर्सी के ऊपर है और थाबल जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी की अगर बात करें, ओकराम इबोबी सिंह वहां से जीत चुके हैं। बड़ा रिजल्ट निकल कर सामने आया अब तक का। ये मणिपुर का एक बड़ा बम्पर रिजल्ट इसको कहा जा सकता है। थाबल निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करें वहां से मुख्यमंत्री है ओकराम इबोबी सिंह और इस चुनाव में वो जीत चुके हैं। जीत का पंचम लहरा दिए और जीत गए हैं इस सीट के ऊपर। और आपको बता दे इमरान शर्मिला भी इनके जो विरोधी दल की नेता थी, इमरान शर्मिला को कौन नहीं जानता, वो इस मैदान में थी लेकिन अपना जादू नहीं चला पाई। और आपको बता दे अब तक का जो फाइनल रिजल्ट मणिपुर विधानसभा का निकल कर सामने आ रहा है। मणिपुर विधानसभा के अंदर बड़ा रिजल्ट निकल कर आया। मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह यहां से जीत चुके हैं और उनके बेटे की अगर बात करें सूरजा सिंह जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं वो भी खुशी का जश्न मना रहे हैं। मणिपुर के अंदर बड़ी सफलता हासिल हुई है, एक बड़ी सफलता के साथ बड़ी जीत। ओकराम इबोबी सिंह मणिपुर थाइबल क्षेत्र से जीत चुके हैं। जीत का पंचम उन्होंने यहाँ पर लहरा दिया और शर्मिला जो है इमरान शर्मिला वो इस मैदान से हार चुके हैं। ये अब तक का बड़ा रिजल्ट। बाकी रिजल्ट देखने के लिए बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलेंगे नमस्कार।